इस अभी हम पहुंचे नहीं है, बट यहाँ से ही आपको इतना प्यारा व्यू दिख जाएगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में गाइस, और आज मैं आया हूँ खंडाला। और आप लोग सोच रहे हो कौन सा खंडाला, ये है गाइस नेपाल का खंडाला, नहीं हाथी का खंडाला भी नहीं है ना मुंबई का खंडाला, ये नेपाल का खंडाला है गाइस। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है आउट ऑफ कंट्री नेपाल खंडाला। तो गाइस आज मैं आया हूँ इंडिया से नेपाल एक्सप्लोर करने के लिए गाइस। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। आपका कल्चर, यहाँ की मार्केट, और यहाँ का जो आप पहाड़ देख ही रहे हो मेरे पीछे, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं देख सकते हैं मेरे पीछे। और बाकी बने रहना मेरी वीडियो, पूरी वीडियो देखना गाइस। और आप लोग नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। गाइस मेरी बस आ गई है, गौरीफंटा के लिए जाना है अभी, और उधर से ही नेपाल निकलेंगे हम। तो यहाँ से ही आपको जो है बस मिल जाएगी दुधवा नेशनल पार्क। और गाइस गौरीफंटा का 80 रुपये दो लोग हैं, तो 40-40 80 रुपीज़। गाइस फाइनली हम गौरीफंटा पहुँच चुके हैं, और अभी मेरे पीछे बस में देख रहे हो कितना क्राउड है, तो फुल है पूरा साइड पीछे, पूरे सब खड़े हुए हैं, और सामान इधर नीचे कैसे, इतनी बस फुल है निकलना ही मुश्किल हो रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम गौरीफंटा नेपाल के बॉर्डर। भाई बता रहा है कि अगर चेकिंग हो तो ऐसा मत बोलना घूमने फिरने आए हैं, ये बोलना भाई का घर है। हाँ बाकी मैं इसके भाई का घर है और मैं घूमने आया हूँ। फाइनली मैं यहाँ पर, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा ब्लॉग होने वाला है, फर्स्ट किसी कंट्री में जो है पैदल वॉकिंग करके हम पार हो रहे हैं। फ्लैग लगा है इंडिया का, 50 रुपये बोल रहे हैं शिव मंदिर का, नेपाली ना भैया। तो गाइस ये है धनगढ़ी सिटी, और ये फ्लैग लगा हुआ है धनगढ़ी, यानी कि नेपाल का जो फ्लैग है, 2000 के 3200 रुपये। तो ये है वो, सॉरी नेपाली करेंसी। ऐसा हमारे ऑटो वाले गए हैं और बोल रहे यहाँ से 3000 लेगा खंडाला का, आपको रिजर्व करना है। वैसे तो यहाँ से वो जाती नहीं है बता रहे ऑटो या बस, 3000 खंडाला का भाई नेपाली इतना नहीं होता, 30-35 किलोमीटर कुछ है यहाँ से खंडाला, तो कुछ ज़्यादा बता दिया मुझे लग रहा है। और आप लोग बताना अगर आप लोग कभी कोई गया है। तो ये है बस स्टैंड, और यहाँ पर देखते हैं पूछते हैं भैया खंडाला के लिए बस। खंडाला के लिए 25-26 किलोमीटर कुछ है यहाँ से। यहाँ पे कोई 1000 बोल रहा है, कोई 2000, कोई 2500 बोल रहा है, यहाँ पे बहुत मतलब एक्सपेंसिव बोल रहा है यहाँ पे प्राइस। और मैं बस का वेट कर रहा हूँ, बट अगर कभी आप लोग आ रहे हो तो बस ही पकड़ो, इधर वैसे बहुत महंगा बोल रहा है मेरे हिसाब से। मदन इन्होंने बोला 200 दे रहा है, तो चलो मेरे साथ, अभी 200 रुपये हो गया है पक्का, चलो और चलते हैं खंडाला, मिलते हैं आपको। ये टिकट बना रहे हैं यहाँ पे, हमारा टिकट खंडाला तक का मेरा और अभेश का, तो चलते हैं वहीं मिलेंगे खंडाला में गाइस। तो फाइनली हम लोग खंडाला पहुंच गए गाइस, खंडाला हमें एक जगह मिल गई है घूमने के लिए, ऊपर से पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम देखो हमारे पहले पीछे कैसा कितना प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, और यहाँ पर आपको होटल वगैरह भी मिल जाएंगे,
जो है रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, और बाकी अभी है बहुत ऊपर जाना है, अभी वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा। ओके गाइस, तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है आउट ऑफ कंट्री नेपाल, ऐसी चढ़ाई है ऊपर के लिए। ये देख रहे एकदम खड़ी चढ़ाई है, और इस तरफ ऐसे कुछ पहाड़ हैं, और ये कुछ यहाँ की मार्केट है जो आपको मार्केट दिख जाएगी। हमारा भाई पीछे रह जाता है, पेड़ पकड़ 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 के आ रहा है भाई। रिखाइए गिर गए तो डायरेक्ट काम तमाम। और ये पहाड़ एक कटा हुआ, मौसम देखा है तो यहाँ पे गाइस कितना प्यारा लग रहा है, बादल एकदम नीले नीले। और इधर खाइए, वो उधर से चिल्ला रहा है बहुत रपक रहा है, अरे भाई पकड़ के आना। तो गाइस अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हो आप, यहाँ से उस तरफ वो रोड दिख रहा है आपको, और उधर भी एक पहाड़ है बहुत बड़ा। और आगे अभी हम चलेंगे, थोड़ा अभी थोड़ी और चढ़ाई बची है वहाँ से शायद। ये तो बाजुओं में बिल्कुल बहुत बड़ी खाई है, बहुत हिसाब से जाना पड़ेगा मुझे इस रोड इस तरफ से पकड़ के। गाइस अभी हम पहुँचे नहीं है, बट यहाँ से ही आपको इतना प्यारा व्यू दिख जाएगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। इट्स रियली ग्रेट मोमेंट, ऐसा कहाँ स्टैम्पल आता है ऐसा। भाई हमारा वो बाहर रुका पड़ा है वो पेड़ों के पास, उस तरफ धूप है, इस तरफ धूप ही नहीं है, इधर बादल है, तो बारिश भी कभी हो सकती पता नहीं। मुझे जाना पड़ेगा तो यहाँ से टाइम लगता है एक घंटा, तो मान के चलो पहाड़ी एरिया मतलब पहाड़ी है ना, तो आराम से उतर के जाना पड़ेगा पहली बात। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, देखते हैं थोड़ा कितना जा सकता हूँ मैं, माई लिमिट। वैसे अकेले आने मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप लोग साथ में हो ना तो डर वाली कोई बात ही नहीं है। ये पेड़ पड़ा है, बहुत पुराना पेड़ है, तो इसमें सांप वूप भी हो सकता है, नाम सुन के डर लगने लगा। अरे उधर एक बकरी भी है, बकरी है, कुछ और तो नहीं है, जूम करके दिखाता हूँ मैं, दिखा नहीं, वो नीचे चली गई, देख लेता हूँ बकरी है कुछ और तो नहीं है, हाँ बकरी है। मैं जितना पास जा रहा हूँ और पहाड़ वो है ऊपर वाला सामने वाला वो उतना ही दूर जा रहा है, मुझे उस पहाड़ पे जाना था लेकिन वो और दूर होते हुए जा रहा है, मुझे लग रहा है ये मेरा लास्ट लेवल रहेगा। उत्तरी की हाँ, तो बकरी भी चुंग रही है, जंगली बकरी है क्या गाइस, देखो जरा ये देखो, जंगली बकरी है शायद, मुझे तो जंगली बकरी लग रही है गाइस, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं। अवनेश अवनेश वो वहीं बैठ गया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और काफ़ी इधर घूमा बैठे एंजॉय किया, थोड़ा सुकून रिलैक्स अच्छा लगा थोड़ा। अभी यहाँ पे अभी हम लोग नीचे जाएंगे और कुछ खाएंगे जाके। हमारा भाई इधर से भी लग रहा है पीछे ही रह जाएगा, वो देखो, हमें बड़ा अजीब लगता है इस बंदे को देख के, उसे ले ले साथ में ना कहीं रह जाए। आजा भाई, बहुत बोरिंग इंसान लगता है मुझे कभी कभी ये। बच गया, अभी गिर जाता भाई, आराम से आने। अब बताओ किधर जाओगे, हम लोग उधर से चढ़े थे, उधर से उतरोगे कैसे। अरे आजा, कुछ नहीं होगा गाइस, हम लोग जो है ऊपर से नीचे आ गए हैं, अभी नीचे रोड पे आ गए, मेन रोड पे, और यहाँ की कुछ मार्केट है, और ये होटल टाइप के बना रखे हैं, ढाबा टाइप के। हम लोग ऊपर गए थे, काफ़ी ऊपर था उस पर, और ये ढाबा है। ये बियर भी यहाँ पे मिलती है क्या, मिलेगा, दारू है यहाँ पे। नहीं घर नहीं, ये होटल है, इसमें आपको रूम भी मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस है, और ये वाइन शॉप है, सिलेंडर है, ढाबा है इधर, और ये सामने गेस्ट हाउस है। और ये जो पानी आ रहा है ना गाइस,
ये जो पानी आ रहा है वहीं से आ रहा है, मैं आपको बता रहा था लास्ट में। ये देखो ये सारा पानी पीने वाला है, ये लोग यहाँ पर जो है भर के रखते हैं पीने के लिए भी। और ये यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है गाइस, और ऊपर देख रहे कितना ऊंचा पहाड़ है। वैसे बता रहे कि इधर से आप जाओगे तो ऊपर का वहाँ से पूरा आपको दिखेगा, लेकिन मैं जा नहीं पाया। अब दो लोग थे, ऊपर कोई था भी नहीं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और फिर नया प्लेस, कोई आइडिया भी नहीं था मुझे। बट अभी कुछ खाएंगे, हाथ भी गंदे हैं, पूरे हाथ गंदे हैं ऊपर मिट्टी के। तो गाइस हम लोग जो है अभी चौचो खाने लगे, जो नेपाल का फेमस चौचो मोमो है, क्या है चौचो ना, चौचो नेपाल का फेमस है चौचो, ये ऐसा कुछ है। और कोल्ड ड्रिंक है साथ में और सॉस वगैरह राइस। अभी हम लोग निकलने वाले हैं गोदावरी, और गोदावरी से फिर निकलेंगे हम लोग शायद घर के लिए। आपको आ रहे हो तो आपको यहाँ पर रूम भी स्टे करने को मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब अच्छा प्लेस है, पहाड़ी एरिया है। और आप आ रहे हो तो जैसे कि अभी मार्च अप्रैल में आओ तो और अच्छा रहेगा। अभी इस टाइम बारिश है, बारिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बारिश का क्या रहा, पहाड़ कहीं खस रहा है, कहीं कुछ तो आप घूम नहीं पाओगे। तो चलते फिर, कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।